कल जब ऑस्ट्रेलिया के 87 पर 7 खिलाड़ी आउट थे तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कान बहुत कम हो गए थे और पाकिस्तानी फैन ने अपनी टीवी वगैरह बंद करके छोड़ दिया था और आप उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी टीम किसी तरह से भी सेमीफाइनल में पहुंचे। फिर हाजिर हुआ खोसा फैमिली का एक ग्रैंड मैक्सवेल जो कि तालीम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया, फिर वहाँ पे उसे ऑस्ट्रेलिया में नेशनैलिटी मिल गई और फिर वहाँ पे उसे क्रिकेट टीम में भी जाने का मौका मिल गया। तो उसको जब ये चांस मिला तो उसने देखा कि अब कौन के लिए कुर्बानी देनी है, तो खोसा कबीले के नौजवान और बहादुर उसने डट कर खेला 200 रन की इनिंग के लिए इसने, और इसने अफगानिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। वो सेमीफाइनल तक पहुंचने के तो दूर की बात, अफगानिस्तान का रास्ता तक भूल गए। अच्छा, इस पाकिस्तान के क्रिकेट ने भी अजीब तमाशा लगाया हुआ है। हमने कभी साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया, हमने कभी ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया, कभी नेदरलैंड को सपोर्ट किया, कभी बांग्लादेश को सपोर्ट किया। इस टीम ने हमें क्रिकेट फैन कॉम और फिरदौस आशिक अवान ज़्यादा बना दिया है। वैसे तो यहाँ पे भारत में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादतियाँ की गई हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, मगर कुदरत ने जिस तरह पाकिस्तानी टीम का साथ दिया है वो भी दीदनी है। इंडिया वालों ने कभी रिजवान के सजदों पर इतराज़ किया, कभी रिजवान का फलस्तीन के हक में करने वाले ट्वीट पर इतराज़ किया। वो खेल में एज अ खिलाड़ी खेल रहा है, पर्सनल लाइफ में वो जो कुछ करे, अपने ट्विटर से जो कुछ करे या वो ग्राउंड में जो कुछ करे, वो अलहदा चीज़ है, मगर हर चीज़ से इंडिया वालों ने कीड़े निकाले। उसके बावजूद भी जो ये पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ये प्लेयर, ये गंजा प्लेयर, ये देखें इसने किस तरह पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया, और ये पाकिस्तान का बहादुर सपोर्ट खोसा फैमिली का यार खोसा से है ग्रैंड मैक्सवेल, जिसने छक्के छुड़वा दिए अफगानिस्तान के, और इसने ये वादा कर दिया कि पाकिस्तानी टीम को जो सेमीफाइनल से निकलवाना जाता है वो इसके लाश पर से गुजर के जाएगा। क्या बेचारा चल नहीं सकता था, कमर में दर्द था और रनिंग इस तरह कर रहा था जिस तरह वो पैदल आराम से चल रहा हो। बाज़ूकात में ये भी महसूस हुआ कि इसमें मोहम्मद रिजवान की रूह चली गई है जो इसे इस किस्म की हरकतें करने पर मजबूर कर रहा, लेकिन फिर भी वो खेला, वो जमा रहा, वो डटा रहा, उसने पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के जो इम्कान हैं उन्हें रोज़े रोशन की तरह अयां कर दिया। इसलिए ये जो दो प्लेयर हैं, एक साउथ अफ्रीका के ये जो टिंडे प्लेयर, नहीं सॉरी, ये जो हैं उनके प्लेयर, इसका इनका और ये जो यारो खोसा के खोसा ट्राइब के सपूत हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं और उनकी टीम में खेल रहे हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह।